राजस्थानी में अपराधियों का ग्राफ चरम सीमा पर है। लगातार अपराधी घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर बेकाब अपराधियों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया है। घटना मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के दलदली गंज के नजदीक दीपनगर इलाके का है, जहां 22 वर्षीय युवक संतोष को अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर मौके वारदात से फरार हो गए। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घायल युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इस वक्त इलाज चल रहा है और स्थिति भी सामान्य बताई जा रही है। वही पुलिस की माने तो प्रथम दृष्टि पैसे के लेन देन को लेकर युवक को गोली मारी गई है। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस प्रशासन जुटी हुई है। साथ ही साथ इसके आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की तलाश में जुट गए हैं और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। निधि सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। आज दिनांक 25/24 को समय 10:30 बजे प्राप्त सूचना हुआ कि ग्राम दलदली गांव में संतोष कुमार उम्र 22 वर्ष केशव अमरनाथ पंडित को अज्ञात के द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। जख्मी का इलाज अभी वर्तमान में पटना पीएमसीएच में चल रहा है। स्थिति सामान्य है। घटना का कारण प्रथम दृष्टिया लेन देन की बात बताई जा रही है। अज्ञात के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है, तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डॉक्टर ब्रिज्स होम्योपैथी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, इंडियाज नंबर 1 मल्टी सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी क्लिनिक। होम्योपैथी में नई रिसर्च से बढ़ी लोकप्रियता, भारत के प्रसिद्ध कई राष्ट्रीय अवार्ड एवं 10 से ज्यादा अन्य देशों में सम्मानित डॉक्टर बीएम प्रसाद, जिन्होंने 25,000 से ज्यादा रोगियों का सफल इलाज किया है। होम्योपैथी दवा द्वारा सफल इलाज हेतु आज ही मिलें डॉक्टर ब्रिज्स होम्योपैथी क्लिनिक, बीसी जर्मन होम्यो क्लिनिक, होम्योपैथिक भवन, ब्रिज गली, बिस्कुमान कॉलोनी, पटना।